देखिए ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, और ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ये है कि पहले प्रोवोक करो, प्रोवोक करने के एक एक्सट्रीम के बजाओ, फिर जो थोड़ा बहुत रिएक्शन आए उस रिएक्शन को एग्जैजरेट करो, और उस एग्जैजरेशन के बेसिस पर फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी का इस्तेमाल करो, पुलिस की गोलियां चलाओ, लोगों को मारो, और अगर बच जाएं तो फिर उनके घरों पर बुलडोज़र चलाओ। तो ये पूरा एक थीम है जिसके तहत पूरे देश में उसी हिसाब से काम हो रहा है कि पहले जुलूस निकालो, प्रोवोकेट करो, प्रोवोकेशन में रिस्पांस आए तो फिर उसमें पुलिस का इस्तेमाल करो, पुलिस का इस्तेमाल हो जाए तो पोस्ट वायलेंस जो है वो बुलडोज़र का इस्तेमाल करो। तो इसी के तहत पूरा काम चल रहा है। आपको क्या लग रहा है पुलिस इन सब में इन्वॉल्व है? क्योंकि जो हमने वहाँ के MLA से जो भी अभी आफ्ताब साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही आग्रह किया था पुलिस से कि इस तरह का कुछ माहौल ख़राब हो सकता है, फिर भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाई। तो क्या देखिए मैंने अभी ये बात कही और हमारी रिपोर्ट भी ये बात कहती है कि ये दंगा पूरी पुलिस की नाकामयाबी का एक सबूत है। जो गार्जियन ऑफ द वायलेंस हैं वो पुलिस हैं। अगर उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुलिस की एक बड़ी कामयाबी ये भी है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के एजेंडे को सेटल करते हुए एक बड़े दंगे कराए। पुलिस की मंशा ही नहीं थी वायलेंस रोकने की। अगर पुलिस की मंशा वायलेंस रोकने की होती तो वो सेंट्रल पुलिस को कॉल करती, उस यात्रा में लोगों को बुला के पहले सेंट्रल पुलिस के लोगों को बुलाती, RPF को बुलाती, डिप्लॉय करती, उनमें जो हेट मॉन्गरिंग के वीडियोज़ थे उनको अरेस्ट करती, और उसके हिसाब से यात्रा शांति से निकल जाती। इससे पहले तमाम यात्राएं हमने मेवात में निकलते हुए देखी हैं। लेकिन पुलिस का कोई एक्शन न लेना, लगातार पीस कमेटी के लोगों को उनको बोलना, MLA को उनको बोलना कि ये प्रोवोकेशंस हो रहे हैं, इस बार वायलेंस हो सकता है, तो इससे ये साबित होता है कि पुलिस पहले से ये मन बना चुकी थी या उनके पॉलिटिकल मास्टर्स से, रूलिंग पार्टी या सरकार से ये पहले से मैसेज दिया जा चुका था कि इस बार हमें दंगा कराना है, जिसके नतीजे में सारी चीज़ें आपके सामने आई। अच्छा, इस माहौल में जो जो नेशनल मीडिया है उसका जो रोल वो जो निभा रही है उस पर कुछ बोलेंगे आप? देखिए नेशनल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। अगर इस मसले को छोड़ दें, अगर हम रेलवे वाला मामला याद करें कि जिस तरह से रेलवे में एक जवान ने जो है वो चार लोगों को मारा, तो नेशनल मीडिया तो ये पूरा काम जिस तरह से कर रहा है कि नेशनल मीडिया ने शाम में गुड़गांव में जो हमले हुए उसके पहले आप याद करें कि नेशनल मीडिया क्या चला रहा था। नेशनल मीडिया ये चला रहा था कि मंदिर में लोगों को शरण लेनी पड़ी और उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है, बंधक बने हुए हैं, और सुबह के वक्त जो है उस मंदिर के पुजारी का ये स्टेटमेंट बहुत साफ साफ अल्फाज में आया कि किसी को कोई बंधक नहीं बनाया गया था, ये झूठ बात है। तो इस फाल्स नैरेटिव को, जो राइट विंग का नैरेटिव था, उसको नेशनल मीडिया ने प्रमोट किया, और जिसके नतीजे में रात में गुड़गांव में मस्जिदों में हमले हुए और जिसमें इमाम साहब की जान गई। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट रमज़ान चौधरी साहब मौजूद हैं। ये वहीं के रहने वाले हैं, यानी मेवात नू के रहने वाले हैं। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, वहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता है। हम इनसे जानेंगे कैसे स्टार्ट कैसे हो गया ये सब वहाँ का। जैसे मैंने लोगों से बात की तो लोग कहते हैं कि वहाँ तो बहुत हिंदू मुस्लिम एकता है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए बिल्कुल भाईचारा और साझा संस्कृति की एक मिसाल है मेवात, और आज भी 84 कोस की यात्रा चल रही है तो लोग उनके घरों में, जो हिंदू समाज के लोग हैं हमारे घरों में ठहरे हुए हैं। कांवड़ यात्रा निकलती है, स्वागत करते हैं, उनके लिए कैंप लगाते हैं, टी स्टॉल लगाते हैं, उनके लिए फर फरूट देते हैं, और बेहद भाईचारा है। लेकिन बाहरी कुछ लोगों ने, जो RSS और ये बजरंग दल के कुछ लोग हैं और जो सत्ता के पोषित लोग हैं, उन्होंने खास साजिश के तहत, चूँकि ये सरकार बहुत बदनाम हो चुकी है, दूसरी तरफ जहाँ हिंदू हैं वहाँ तो इसको घुसने भी नहीं दिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जा रहा है, इनको घरों गाँव के गाँव में बंदी बना लिया जा रहा है। तो इतनी अनपॉपुलर ये सरकार हो गई है कि इसको अब वापस नहीं देखना चाहते। तो इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का खेल करके ये एक साजिश के तहत इन दंगों को होने दिया है या करवाया गया है, और उसमें जो है बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर का इस्तेमाल हुआ है, उनसे वीडियो, नफरत के वीडियो जारी करवाकर माहौल को गर्म करके, और जिस तरह से चैलेंजेस करवाए, और जिस तरह से 2-3-4 मौतें पहले रकबर पहलू, नासिर जुनेद, उनके हत्यारे हैं ये मोनू मानेसर, तो इन बच्चों जिस तरह से, और फिर तैयार होकर हथियारों से, लाठी डंडों से,
और उनमें एमिशन था और जिस तरह से पत्थर भरकर लाए तो वो तैयार होकर आए थे कि हमें दंगा करना है, लेकिन हम लोगों ने चूंकि पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था, उन्होंने भरोसा दिलाया था और उसके बाद भी हमारे बच्चों ने हमने उनको गुजर करने के लिए कहा कि इस तरह से होने दो, कोई बात नहीं है, माहौल ख़राब है और ये पुलिस प्रशासन और सरकार इस तरह से दंगा करवाना चाहती है, लेकिन जब ये मंदिर से दर्शन करके पूरा शोर शराबा नंगा नाच करके और जिस तरह से तलवारें स्लोगन्स लहराते हुए ये मेडिकल स्टोर मेडिकल कॉलेज होते हुए आ रहे थे, तब इनको लगा कि दंगा हमारे तो हुआ नहीं, साजिश नहीं हुआ, तो 1:30 बजे के आसपास इन्होंने जो शीशे की बिल्डिंग थी, रिज़्क एक होटल है और एक बेकरी है, कुछ शीशों के मकान थे, उन पर CCTV कैमरे में हमने देखा कि इन्होंने पत्थर चलाए और उस पर एक पुलिस वाले ने गोली चलाई, तो उसकी वजह से जो हमारे स्थानीय बच्चे थे उनको भी रिटेलिएशन हुआ, उन्होंने भी पत्थर चलाए, तब ये दंगा भड़का है, यानी वो किसी ना किसी सूरत में दंगा करवाना ही चाह रहे थे। अच्छा, जैसे अभी फैक्ट चेकर हैं जुबैर, उन्होंने एक वीडियो डाली कि मंदिर के अंदर से गोलियां चलाई जा रही थी और जो गोली चला रहा था उसका जो संबंध लिंक दिखाया जा रहा है वो BJP से दिखाया जा रहा है, अभी उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दायर किया गया, किसी तरह की उनकी कोई बात नहीं हो रही, उनके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे एक साथी अजीज अख्तर एडवोकेट हैं, उन्होंने उन लोगों के अशोक बाबा, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक स्पेशल कंटेंट्स में एप्लीकेशन दी है, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हमारा बच्चा एक रोहतक दाखिल है, उसके सिलसिले में एक एप्लीकेशन गई है, उसके उस पर कोई मुकदमा वो नहीं हुआ है। कितनी दुकानें लूटी गई हैं, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए दुकानों में लगे हुए थे मुसलमानों के, वो लूटी गई हैं हिंदू समाज के जरिए से दंगाइयों, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो एकतरफा कार्रवाई हो रही है कोई, और एकतरफा घर गिराए जा रहे हैं, उनको बंदी बनाया जा रहा है मुस्लिम समाज को, तो ये एक खास साजिश के तहत हिंदू समाज को खुश करने के लिए ये सब गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस तरह की कार्रवाई हो रही है। मैं वरुबान अंसारी और आप देख रहे थे मुस्लिम टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।